वियतनाम और चीन के बीच जारी विवाद आए दिन सुर्खियों में रहता है। चीन अपने विस्तारवादी नीतियों की वजह से दुनिया भर में बदनाम है। चीन की सीमा से सटे हर देश आशंकित रहते हैं कि कब उसके क्षेत्र को चीन अपना क्षेत्र न घोषित कर दे। तिब्बत के हसरे से पूरी दुनिया वाकिफ है। हवा से लेकर समुद्र तक और समुद्र से लेकर जमीन तक चीन अपने पड़ोसी देशों के लिए लगातार चुनौती बनता जा रहा है। वियतनाम चीन के साथ कूटनीतिक संवाद तो रखता है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता की मांग करता रहता है। वियतनाम चाहता है कि दुनिया उसे एक अलग देश के तौर पर देखे, उसकी अलग पहचान हो जो चीन से स्वतंत्र हो। वहीं चीन का मानना है कि ताइवान उसी का एक हिस्सा है और वो हमेशा चीन के साथ ही रहे। ऐसे में सवाल तो बनता है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया, क्या ठीक उसी तरह चीन भी वियतनाम पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, हमें इस सवाल के जवाब के बारे में जानने से पहले हमें वियतनाम और चीन के विवाद की असली कहानी के बारे में जानना होगा। वियतनाम और चीन के बीच के विवाद की कहानी दिलचस्प है। ताइवान नीदरलैंड का उपनिवेशक एक अरसे तक रहा। 1642 से लेकर 1661 तक नीदरलैंड का शासन चीन पर बना रहा। नीदरलैंड के शासन के बाद चीन के जिंग राजवंश ने 1863 से 1895 तक ताइवान पर आधिपत्य जमाए रखा। साल 1895 में जापान और चीन के बीच एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में जापान ने चीन को करारी हार दी। यही साल था जब ताइवान पर चीन नहीं जापान का कब्जा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त 1945 को जापान की हार हुई। जापान को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। अमेरिका और ब्रिटेन ने फैसला किया कि ताइवान की सत्ता चीन को सौंप दी जाए। चीन के मिलिट्री कमांडर चैंग काई शेक को दोनों राष्ट्रों ने ताइवान की सत्ता सौंप दी। चैंग ही वह शख्स थे जिन्होंने चीन के अधिकांश हिस्सों को अपने नियंत्रण में लिया था। यह वही दौर था जब चीन में कम्युनिस्ट सेना मजबूत हो रही थी। चीन और ताइवान के बीच युद्ध जैसी स्थितियां एक लंबे अरसे तक रही। 17 फरवरी 1979 को स्थितियाँ इतनी खराब हो गई कि चीनी सैनिक हजारों की संख्या में ताइवान की ओर कूच कर गए थे। मार्च 1979 तक स्थितियाँ सामान्य होने लगी, क्योंकि चीन युद्ध का इरादा टाल चुका था। 1980 तक दोनों ही देशों के बीच रिश्ते सामान होने लगे। बेहतर हो रहे रिश्तों को देखकर चीन ने ताइवान को प्रस्ताव दिया कि वन कंट्री टू सिस्टम की पॉलिसी के तहत अगर वियतनाम खुद को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता दे दी जाएगी। ताइवान की चाहत स्वतंत्रता की थी, स्वायत्तता की नहीं। वक्त बीतता रहा। वियतनाम के नए राष्ट्रपति चैन स्वान बियान 2000 में चुने गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है, चीन का हिस्सा नहीं। विस्तारवादी चीन को ताइवान का यह ऐलान रास नहीं आया। चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, ताइवान ने जवाबी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में ऐसे कई मौके आए जब चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर ठनी। हालांकि यही तनाव 1996 में भी देखने को मिला। 1996 में ही ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने के लिए चीन ने कई मिसाइल परीक्षण किए। चीन ताइवान पर स्पष्ट रूप से दबाव बनाना चाहता था। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को यह बात नागवार गुजरी। अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा के लिए बड़े जंगी जहाजों को उतार दिया। उन्होंने एशिया में अमेरिकी सैन्य शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। अमेरिकी सैन्य प्रदर्शन का असर यह हुआ कि चीन को साफ तौर पर यह संदेश चला गया कि वियतनाम को लेकर अमेरिका गंभीर है। पूरी दुनिया चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानने के लिए मजबूर है। अमेरिका विश्व शक्ति है। चीन और अमेरिका के बीच जारी तनाव भी जग जाहिर है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो खुले तौर पर ताइवान को समर्थन देता है। चीन ने कई बार ताइवान की ओर अपनी सेना का रुख कर दिया है। अभी पिछले साल ही चीन ने अपनी सेना को ताइवान के बॉर्डर पर भेज दिया था। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन भी रूस की तरह ही वियतनाम पर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इसके अलावा अमेरिका के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जो ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का सपोर्ट करता है। चीन की विस्तारवादी नीति ऐसी है कि इसके सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है, चाहे ताइवान हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, रूस हो या फिर भारत। चीन का हर देश के साथ सीमा विवाद है और चीन के अनुसार हर पड़ोसी देशों के अंदर चीन की जागीर है। ऐसे में चीन के इन मंसूबों को नाकाम करना और चीन को सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीन को आखिर सबक कौन सिखाएगा? आपको क्या लगता है, वह कौन देश होगा जो चीन के इस विस्तारवादी सोच को खत्म कर सकता है? भारत या अमेरिका या फिर कोई और देश? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।